एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शवि त्रिपाठी। आज सबसे पहले मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि हमारी 1K फैमिली हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। और आज जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं करूँगी 2 मेकअप लुक यूजिंग 5 प्रोडक्ट्स ओनली। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है ओरिफ्लेम की जॉर्डनी गोल्ड सीसी क्रीम विद SPF 30। और ये क्रुएल्टी फ्री और केमिकल फ्री प्रोडक्ट है और पर्सनली ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए और ये आपको कभी भी हार्म नहीं करेगी। आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। स्किन पे इसका नेचुरल बहुत ही इफ़ेक्ट आता है। आप इसको अप्लाई करते हैं बिल्कुल भी केकी और पैची नहीं, बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन पे और काफ़ी अच्छी लगती है। गाइज, मैंने अपना बेस अच्छे से लगा लिया था विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। अब मैं फिटमी जो कि कॉम्पैक्ट है उसकी हेल्प से अपना पूरा बेस सेट कर लूँगी। हाँ जी, तो मैंने अपना बेस सेट कर लिया है अच्छे से और अब मैं अपनी आईब्रोज को ड्रॉ करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क का लास्टिंग ड्रामा जेल आईलाइनर और उसे मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स बना के और अपनी आईब्रोज को सेट कर लूँगी, ड्रॉ कर लूँगी जिससे वो अच्छे से क्लीन एकदम दिखें। और ये था थर्ड प्रोडक्ट। आपको ऐसे ही अपनी आईब्रोज को इवनली फिल अप करके देन उसको मिक्स करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है ब्रश की हेल्प से और यू आर डन। सो गाइस, अब मैं थर्ड सेम प्रोडक्ट से जो कि काजल था उससे काजल लगाऊंगी और आप इसको थिक या थिन लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और हमें यहाँ पे लाइनर नहीं लगाना है। अगर आप चाहते हो तो आप लाइनर लगा सकते हैं इसे, बट पर्सनली मेरी आईज़ छोटी हैं और मेरे ऊपर सूट नहीं करता इसलिए मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी। मैं इवनली दोनों ही आईज़ में काजल अप्लाई कर लूँगी। गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, आप पानी पीते रहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए। और अब मैं फोर्थ प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ जो कि है शुगर की लिपस्टिक जो कि मेरी फेवरेट है। तो गाइस, लिपस्टिक का जो शेड है वो है पीचर्स पेट और ये काफ़ी अच्छी मैट लिपस्टिक है। इसको मैं लिप ब्रश की हेल्प से इवनली अपने लिप्स में अप्लाई कर लूँगी और इसका जो शेड है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर ली है इवनली, आप देख सकते हैं। और अब मैं सेम लिपस्टिक को एज अ ब्लश और अपने आई मेकअप के लिए यूज़ करूँगी। मैं फिंगर टिप की हेल्प से अपनी आईलिड्स पे इसे अप्लाई करूँगी इवनली। और होता यह है कि आप जब फिंगर टिप यूज़ करते हैं तो उसके वॉर्म्थ की वजह से इवनली आप जो भी आई शेड यूज़ कर रहे हैं लिपस्टिक तो वो आपकी स्किन में इवनली लग जाता है। और अब मैं उसे ब्लेंड कर लूँगी फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से अच्छे से। गाइस, लिपस्टिक हो गई है, बेस हो गया है, आई मेकअप भी ऑलमोस्ट डन है, अब ब्लश लगा लूँगी। मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि आप जो पोर्ट्रेट पिक्चर इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हैं उसमें आप कैसा मेकअप करती हैं जो भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मेकअप लुक आपके साथ शेयर कर देती हूँ सो दैट आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो गाइस, बस मैं ब्लश को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। काफ़ी फ्रेश और बहुत ही नेचुरल सा लुक लगता है ये ब्लश जब भी आप अप्लाई करते हैं। फिर इसको मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इवनली और आप देख सकते हैं कितना नेचुरल, कितना सूदिंग सा मेकअप लग रहा है। सो गाइस, अब है लास्ट एंड फिफ्थ प्रोडक्ट जो कि है वेट एंड वाइट का पाउडर हाइलाइटर। और मैंने आपको दो हाइलाइटर दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक क्रीम हाइलाइटर दिखाया जो कि शुगर का था और पाउडर हाइलाइटर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्रेफर करिए आप पाउडर हाइलाइटर। सो मैं यहाँ पे उसे अप्लाई करूँगी फ़ैन ब्रश की हेल्प से अपनी नोज पे, क्यूपिड पे, चीक्स पे और अपने चिन पे, अपने फोरहेड पे, जो भी एरियाज़ आप हाईलाइट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका ग्लो और आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सटल सा है ये, चंकी नहीं है। सो मैंने अपने पूरे ही फेस पे हाइलाइटर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। गाइस, मेकअप लुक हो गया है हमारा कंप्लीट और अब मैं बस अपने हेयर्स ठीक कर रही हूँ थोड़े से। और ज्वेलरी मैंने पहले से डाल रखी थी, अगर आप चाहते हैं ये ज्वेलरी के बारे में जानना तो प्लीज़ आप मेरा मिंत्रा हॉल चेक करिए। और
शर्ट जो कि लोकल मार्केट से ही मैंने ली थी, सिंपल सी वाइट सॉलिड शर्ट है और आप मेरा मेकअप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा था बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, नेचुरल सा था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया ये लुक। आई होप आपको ये पसंद आएगा गाइज, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। सो गाइज फॉर द सेकेंड लुक यू जस्ट नीड वन आई शेड पैलेट, आपको बस ट्रांजिशन शेड लेना है क्योंकि मैं आपको थोड़ी रियलिस्टिक चीज़ बताऊँगी, लिपस्टिक अप्लाई करिए वो बहुत देर तक नहीं रुकेगी, उसे हमें सेट करना है, लॉक करना है, इसलिए ट्रांजिशन शेड से उसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, इससे वो लॉन्ग लास्टिंग बनी रहे। मैंने कर दिया है अपना आई मेकअप सेट, अब मैं क्योंकि फर्स्ट लुक था हमारा डे लुक, अब ये वाला लुक होने वाला है थोड़ा सा ग्लैमरस और नाइट लुक, सो इसलिए मैं अप्लाई करूँगी अपनी आईज़ में काजल। इसको आपको आराम से चिल होके अप्लाई करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको इवनली अप्लाई करना है इसको, जस्ट आपको थिक सा अप्लाई करना है, फिर उसको ब्रश की हेल्प से स्मज आउट करना है क्योंकि आईज़ को हमें देना है थोड़ा स्मोकी लुक, इसलिए इसको मैं अप्लाई करती जा रही हूँ और बस आपको इसको ऐसे ही थिक सा अप्लाई करते रहना है। अब मैंने लिया है एक ब्रश, फ्लफी ब्रश, इसकी हेल्प से मैं अपने काजल को अच्छे से स्मच आउट कर लूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से ट्रांजिशन। तो गाइज अब हम ट्रांजिशन शेड और जो मैंने काजल अप्लाई किया है जो आप देख रहे हैं इसको हमें अच्छे से ब्लेंड करना है, इससे ये से हमारा आई लुक बिल्कुल क्लीन और अच्छा सा है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एंगल्ड फ्लैट ब्रश और इससे मैं ट्रांजिशन शेड और काजल को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ और करते करते इंसान सीखता है। सो गाइज मैंने ये लुक किया इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ और आप देख सकते हैं ये आई लुक कंप्लीट हो चुका है और स्मोकी आईज़ भी कंप्लीट हैं और बस आपका ये लुक नाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है एंड यू आर गुड टू गो। जस्ट 5 प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए थे और आप रिजल्ट देख सकते हैं। गाइस हेयर स्टाइल मैंने कर रखी थी, ये है क्लोजअप लुक और क्योंकि मुझे पर्सियन काइंड ऑफ लुक चाहिए था इसलिए मैंने अपनी पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ के हिसाब से यहाँ पे हेयर स्टाइल कर रखी। आप इसकी जगह कोई और हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं। आप मेरा फुल लुक अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा था। चलिए अब लुक कंप्लीट कर लेते हैं इस लहंगे को पहन के। सो गाइज ये है मेरा फुल लुक एंड कंप्लीट लुक, ये पार्टीज़ के लिए बेस्ट लुक है, बहुत ही सिंपल है, ये एलिगेंट लुक है, बहुत हैवी मेकअप नहीं है, नेचुरल सटल सा मेकअप है, ज्वेलरी सिंपल सी पहन रखी है मैंने, इयर रिंग्स नहीं डाल रखे हैं और हेयर्स भी सिंपल से हैं। और अगर आपको ये लुक पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये जो मैंने लहंगा पहन रखा है ये स्टिच्ड नहीं था, ये मैंने स्टिच करवाया है। सो गाइस आई होप आपको ये वाला लुक पसंद आया होगा। अगेन थैंक यू सो मच गाइस, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लुक्स पसंद आए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करके और ऐसे ही जस्ट मुझे प्यार देते रहिए। और प्लीज गाइस मुझे अभी भी आप सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक जो भी आप चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। सो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लव यू ऑल, बाय गाइज़।